हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि यदि आपको उंगलियां चटकाने की आदत है, गर्दन चटकाने की आदत है, तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों की उंगलियां चटकाने, गर्दन चटकाने, पैरों की फिंगर्स चटकाने की आदत रहती है, जिससे उन्हें आराम भी मिलता है। बहुत से वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, और उसके बाद वो अपनी उंगलियां चटकाते हैं, गर्दन चटकाते हैं। उस ऐसा करने से उन्हें रिलीफ मिलता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्पेशली हमारे बोन्स को नुकसान होता है और हमारे लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा करने से आपकी हेल्थ को किस तरह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सबसे फर्स्ट है सूजन का आ जाना। अगर आप उंगलियों को चटकाते हैं तो उंगलियों के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके उंगलियों में या पैरों के फिंगर्स में दर्द भी बना रह सकता है। बहुत से लोगों को गर्दन चटकाने की भी आदत होती है, तो जिसके कारण अगर वो बार बार गर्दन को चटकाते हैं तो उसमें भी उनके गर्दन की जो बोन्स है उसमें स्वेलिंग आ सकती है और उनके बाद में पेन भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी भी आदत है उंगलियां चटकाने की, तो आप बिल्कुल भी ना चटकाएं, क्योंकि ये आपके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। देन सेकंड, अगर आपको बार बार उंगलियां चटकाने की आदत है तो इन फ्यूचर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोड़ों में बार बार खिंचाव से हड्डियों की पकड़ कमज़ोर होती है, और अगर हड्डियों की पकड़ कमज़ोर होगी तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप अगर आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अपनी उंगलियों को ना चटकाएं। देन थर्ड, हमारी हड्डियों पे भी असर पड़ता है। अगर आप बार बार उंगलियों को चटकाते हैं तो ये आपकी हड्डियों पे बुरा असर कर सकता है। जब हम हाथों और पैरों की उंगलियों को चटकाते हैं तो इससे उंगलियों की कैपेसिटी कमज़ोर होती है, और हमारी उंगलियों में दर्द, हाथों पैरों में दर्द इन फ्यूचर हो सकता है। देन फोर्थ, जो साइनोवियल फ्लूड होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अगर आप बार बार उंगलियां चटकाते हैं पैरों की या हाथों की या गर्दन की, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें साइनोवियल फ्लूड होता है, जिसे सामान्य भाषा में ऑयल कहा जाता है। आपने सुना होगा कि ऑयल ख़त्म हो रहा है घुटनों का, या ऑयल ख़त्म हो रहा है हमारे जॉइंट्स का, इसलिए हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या स्वेलिंग आ रही है, तो वो उसे हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं। तो यदि आप बार बार उंगलियों को चटकाते हैं तो इससे जो हमारा साइनोवियल फ्लूड है, मीन्स ऑयल है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जिससे इन फ्यूचर आपको दर्द बना रह सकता है, स्वेलिंग बनी रह सकती है, और आपके हाथों से पैरों से कट कट की आवाज़ भी आ सकती है। इसलिए आप उंगलियों को बिल्कुल भी ना चटकाएं, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूड है वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप, छोटी सी आपकी गलती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। देन फिफ्थ, उंगलियों को चटकाने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जो लोग बार बार उंगलियों को चटकाते हैं उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर लिक्विड होता है वो ग्रीसिंग का काम करता है, और जब हम उंगलियों को चटकाते हैं तो ये आपस में रगड़ खाती हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे हमारे जो हड्डियों में असर बहुत बुरा पड़ता है और हमारी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इवन ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि जो लोग अपनी हड्डियों को बार बार चटकाते हैं उन्हें कभी ना कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या सूजन की प्रॉब्लम, और उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, उनके जो साइनोवियल फ्लूड है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो यदि आपको भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है उंगलियाँ चटकाने में, आपकी भी हैबिट है बार बार उंगलियाँ चटकाने की, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने देखा, जैसे हमने बताया, कि उंगलियां चटकाने के से हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, इसलिए आप उंगलियां बिल्कुल ना चटकाएं। तो जिन लोगों को उंगलियां चटकाने की आदत है उससे आप भी मना करें, या आपके परिवार में जिन्हें भी उंगली चटकाने की आदत है आप उनको भी ज़रूर मना करें।
तो यदि आपको भी बैठे बैठे बार बार उंगलियां चटकाने की आदत है तो आप इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आप इसे अगर शेयर करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिन लोगों को उंगलियां चटकाने की आदत है और वो नहीं जानते हैं कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।